पाकिस्तान में सन्नत की बुनियाद रखने वाले चौधरी मोहम्मद लतीफ, जिन्हें दुनिया सीएम लतीफ के नाम से जानती है। दुनिया भर में पाकिस्तान की सन्नत को पहचान देने वाले चौधरी मोहम्मद लतीफ ने 1907 में मशरकी पंजाब की तहसील बटाला में मेहर मीरा बख्श की आगोश में आंख खोली। सीएम लतीफ ने 1930 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग की आला तालीम हासिल की। उन्होंने दो कमरों और एक बरामदे पर मुश्तमिल साबुन की फैक्ट्री से अपने कारोबार का आगाज किया। ये साबुन के बाद लोहे के कारोबार से मुंसलिक हो गए। ये हिंदू अक्सरियती इलाके में किसी मुसलमान की पहली इंडस्ट्री थी। उन्होंने दिन रात मेहनत की और जल्द ही उनका शुमार बड़े सनतकारों में होने लगा। ४७ में तकसीम के वक्त उन्होंने अपने कारोबार की कुर्बानी देकर लाहौर हिजरत की। कयाम पाकिस्तान के बाद उन्होंने नए सिरे से कारोबार का आगाज किया। 1951 में बदामी बाग लाहौर में बटाला इंजीनियरिंग कंपनी के नाम से एक इदारा बनाया, जो जल्द ही तरक्की की मनाजिल तय करता हुआ दुनिया भर में बीको के नाम से मशहूर हुआ, जहाँ बयक वक्त 6,000 मुलाजमीन काम करते थे। बीको जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक नंबर पर थी, और जो भी ये मटेरियल बनाते थे और बाहर की दुनिया में भी जाता था, और भी बेशुमार लाहौर में बड़े बड़े पाकिस्तान में अदारे थे जो एक फैसले की वजह से वो सारे मामला तबाह बर्बाद हो गए। सीएम लतीफ ने सनत की दुनिया में बहुत सी नई चीजें मुतारिफ करवाई। बीको फैक्ट्री में साइकिल और डीजल इंजन से लेकर जहाज के पुर्जे तक बनाए जाते थे। आज के बहुत से तरक्की याफ्ता ममालिक सीएम लतीफ की कंपनी से बहुत मुतासिर हुए, और वो खुसूसी तौर पर बदामी बाग लाहौर में वाकई बीको का दौरा करते, जिनमें उस वक्त के चीन के सदर चुएन लाई, शाम के हाफिजुल असद और थाईलैंड के बादशाह काबिले जिक्र हैं। हालात ने एक बार फिर उस वक्त पलटा खाया जब 1 जुलाई 1972 को माशी असलाहत के नाम पर 31 इंडस्ट्रीज को बटो हुकूमत ने कोमिया लिया, जिसमें बीको भी शामिल थी। ने इसका नाम बदलकर पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी यानी पीको रख लिया, लेकिन हुकूमत की नातजर्बाकारी और अदम दिलचस्पी की वजह से पीको को सन 1998 तक 7 खरब 61 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। जनरल जियाउल हक की हुकूमत ने मजीद खसारे से बचने के लिए सीएम लतीफ को पीको वापस लेने की दरख्वास्त की, लेकिन सीएम लतीफ हुक्मरानों से इतने बदजन थे कि पीको वापस लेने पर आमादा ना हुए और जर्मनी के एक छोटे से गांव में सकूनत इख्तियार कर ली, और 11 मार्च 2004 को 97 साल की उम्र में इंतकाल फरमा गए। दुनिया को सनतकारी का दर्स देने वाला ये लाला औजार हुकूमत की एक गलत पॉलिसी की वजह से आज खसो खाशाक का मंजर पेश कर रहा है। मकामी लोगों का कहना है हुकूमत को चाहिए कि यहाँ सीएम लतीफ के नाम से एक सनत कायम की जाए, ताकि ये पसमानदा इलाका तरक्की की शाहराह पर दोबारा गामजन हो सके।